इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में तहरीक इंसाफ का एहतजाज। मुजाहिरीन ने नून लीग और उसके अलावा दीगर पार्टी सेक्रेटरीट मॉडल टाउन 180H में तोड़फोड़ शुरू कर दी, जबकि रहनुमा नून लीग राना मोहम्मद अरशद की मुदैयत में थाना मॉडल टाउन में भी इंदिराज मुकदमा की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इसी हवाले से मजीद आगाह करेंगे नुमाइंदा कैपिटल टीवी में आमिर जमील। जी मियां आमिर जमील, आगाह कीजिएगा, इसका क्या सूरत हाल है? तहरीके इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद जो है वो लाहौर के अलावा पूरे मुल्क में जो है तोड़फोड़ का सिलसिला शुरू हो गया था, जिसके बाद जो है मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरीट मार्टन पर भी जो है कुछ शर पर्सन नासर की जानब से हमला किया गया था, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के जो है मुस्लिम लीग के सेक्रेटरीट पर हमले के बाद जो है एक वन मार्टन 180H में तोड़फोड़ के मुकदमे की दरखास्त जो है मार्टन थाने में जमा करवा दी गई है, जिसकी दरखास्त जो जिनकी मुदैयत में जमा की गई है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना अरशद की मुदैयत में थाना मार्टन में जो है पीटीआई रहनुमाओं समेत 200 नामालूम अपराध को अंदराजे मुकदमा की दरखास्त में नामजद किया गया है, जबकि मुस्लिम लीग नून के पार्टी सेक्रेटरीट में तोड़फोड़ के मुकदमे में पीटीआई के रहनुमा एजाज चौधरी, डॉक्टर यासमीन राशिद, मियां असलम इकबाल, मियां महमूद रशीद, शबीर गुजर, सरफराज खोकर, शेख इम्तियाज समेत 270 अपराध के खिलाफ अंदराजे मुकदमा की जो दरखास्त है वो मार्टन थाने में इस वक्त जो है मुस्लिम लीग नून के जो रहनुमा है पार्टी रहनुमा उनकी जानब से वो जमा करवा दी गई है। जैसा कि आपको पता है जैनब, लाहौर में जो मामला था, जैसा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की गिरफ्तारी के बाद जो मामला खराब हुए थे पुरतशद्दुद वाकयात के बाद जो है ये मार्टन जो मुस्लिम लीग नून का जो मरकजी सेक्रेटरीट था वहां पर जो है उनको उसको भी आग लगाने की कोशिश की, वहां पर भी तोड़ करने की कोशिश की गई, जिसके बाद जो है वो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मोहम्मद अरशद की जानब से उनकी मुदैयत में थाना मार्टन में पीटीआई समेत 200 नामालूम अपराध के खिलाफ मुकदमा इंदराज की दरख्वास्त जमा करवा दी गई है।